हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप वन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले ABFRL के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने उसका चार्ट ओपन कर दिया है। तो राइट नाउ 174 रुपीज पे करेंटली ट्रेड करी और लगातार की फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखी है। और वनडे का बात करें तो, और मंडे का भी बात करेंगे, और मैं इसमें आज नेक्स्ट टारगेट प्राइस भी बताऊंगा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस शेयर्स के बारे में जानने में। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। और जिन किन्हीं को भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए अब वीडियो के रिगार्डिंग पे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सही रहेगा मंडे के हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ABFRL राइट नाउ 174 रुपीज़ पे ट्रेड करिए, और जो गई है लास्ट टाइम जो फ्लक्चुएशन देखने को मिली वो नेगेटिव साइड देखने को मिली है और डाउन गई है 2.90, मतलब एक अच्छी खासी फ्लक्चुएशन डाउन की साइड देखने को मिली है ABFRL में। और राइट मतलब अप्रॉक्स 1.563% तक डाउन थी, मतलब आप लोग ये भी समझ सकते हैं 1.50 भी बोल सकते हैं इसको, अप्रॉक्स उतनी ही डाउन थी। अगर आप 5 डेज पे हम लोग केयर करें फोकस करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव का सिंबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 डेज पहले भी ये कुछ इसी तरीके के शेयर्स प्राइस में थे, मतलब प्राइस शेयर्स के इसी टाइप के थे, 173 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहे थे और अब लगातार ऊपर गई थी उसके बाद, और फिर उसके बाद एक अच्छा जंप देखने को मिला था इस एरिया पे, फिर उसके बाद डाउन के साइड अच्छा खासा फ्लक्चुएशन बना है। अब मैं आप लोग को निफ्टी 50 से भी कंपेयर करके बताऊंगा, तो उस पर भी ध्यान देते हैं, निफ्टी 50 से भी कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 से अगर कंपेयर करते हैं तो वनडे का देखिए निफ्टी 50 में लगातार डाउन के साइड फ्लक्चुएशन है, और ABFRL में अगर बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इधर भी डायरेक्टली डाउन के साइड फ्लक्चुएशन है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है जैसे ABFRL में फ्लक्चुएशन थी, यहाँ तक सब सेम पोजीशन में जा रही थी और उसके बाद गजब का डाउन के साइड गिरी है। और अगर हम लोग बात करें तो ओपन कितने में हुई थी, अब उन सब के बारे में डिटेल बात करते हैं। ओपन हुई थी 176 में और हाई गई 178 की, और लो गई है 174 की लो गई है। अब नेक्स्ट क्या करना है, कौन सा पड़ाव रहना चाहिए जिससे आप लोग को बेनिफिट हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट टारगेट प्राइस रख सकते हैं तो वो मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ कैसे आप लोग नेक्स्ट टारगेट प्राइस रख सकते हैं अपना। तो सबसे पहले आपको निफ्टी 50 पे केयर करना है कि निफ्टी 50 का फ्लक्चुएशन किस साइड है। जैसे हम लोग आज इस बार पता था ये तो 15 मिनट्स का मार्केट जो ट्रेड करे तो उस पे तो बिल्कुल भी, मतलब उसको लेके कोई डिसीजन मत लीजिएगा, जो 15 मिनट 9:15 से 9:30 तक जो मार्केट में ट्रेडिंग होता है उसको लेके बिल्कुल भी डिसीजन मत लीजिएगा। उसके बाद 5 to 10 मिनट्स वेट कीजिएगा, तब आपको रियल चीज़ पता चलेगा कि क्या हो सकता है मार्केट में। ये फ्लक्चुएशन गैप आप लोग को देखने को मिल रहा होगा निफ्टी 50 में, देख रहे हैं 35 का फ्लक्चुएशन देखने को मिला, फिर ये डाउन के साइड और ऑलमोस्ट 35 का फ्लक्चुएशन देखने को मिला, फिर यहाँ पे भी डाउन आपको 40 का फ्लक्चुएशन देखने को मिला। और इससे आप लोग को समझ में आता है कि कितनी डाउन लगातार जा रही है, और एक डाउन जाने के बाद एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन डाउन ही के साइड ही देखने को मिलता है। सेम तरीके से यहाँ पे भी उसी तरीके का फ्लक्चुएशन हम लोग को देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब डाउन से ऊपर गई थी तो यहाँ पे लगातार ऊपर गई, अब ऊपर आने का तुरंत डाउन गई। पहले तो हम लोग को निफ्टी 50 से फोकस करना है, और ABFRL एक फैशन ग्रुप है, मतलब ये आदित्य बिरला फैशन ग्रुप रिटेल के ऊपर है, तो ये आदित्य बिरला ग्रुप में आती है, और इनफैक्ट ये सब का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सब है, लाइक पेंटलूस एंड डिफरेंट ब्रांड्स। तो राइट नाउ अगर हम लोग कोविड सिचुएशन के हिसाब से समझे तो अभी इसमें ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, ABFRL का बहुत कम ही चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा, और अभी के हिसाब से ज़्यादा हम लोग निफ्टी 50 और इसको कंपेयर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने इससे पहले डॉक्टर रेड्डी और बहुत सारे सिप्ला कंपनी के बारे में, फार्मास कंपनी के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया, तो वो सभी वीडियो जाके देखिए, तब आप लोग को पूरे तरीके से नॉलेज होगा कि क्यों फार्मा कंपनी ऊपर जाएगा और ये सब कंपनी नीचे आने का क्यों चांसेस है, ये सब के बारे में मैंने पूरे तरीके से बात किया। और ये नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं, ये नॉर्मल चीज़ है अभी के पैंडमिक सिचुएशन में, सबको पता है फार्मा कंपनी ऊपर जा रही है। पर हमें ये भी जानना है कि ABFRL सब ऐसे शेयर्स सब में, रिलायंस के शेयर्स में क्या करना है, तो अभी शॉर्ट सेलिंग करना है, इंट्राडे करना है और शॉर्ट सेलिंग करना है, एक अच्छा प्रॉफिट गेन करना है। अब शॉर्ट सेलिंग में कितनी डाउन जा सकती है इस पर बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी डाउन गई हुई है पहले भी, और वन मंथ पर हम लोग फोकस करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हाइएस्ट जो डाउन गई है
मंथ के अंदर में तो 164 रुपीस तक डाउन किया, और फिर उसके बाद ऊपर के साइड बाउंस देखने को मिला है। पर जब ये डाउन जा रही है तो अब कितनी डाउन जा सकती है, तो 160 तक डाउन जा सकती है, चांसेस है इसकी डाउन जाने के। इनफैक्ट उतनी भी नहीं, उससे भी ज़्यादा चांसेस है डाउन जा सकती है, क्योंकि अगर वन ईयर का बात करें तो जो लास्ट टाइम कोविड सिचुएशन थी तो उस टाइम में ये इतने पोजिशन पर आ चुकी थी। कोविड पोजिशन लास्ट टाइम की बहुत ही गजब की थी, जिसके चलते ये अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिला, 102 तक आ चुकी थी इसकी शेयर्स, और एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिल गया था शेयर्स में और डाउन के साइड। अब ये और कितनी शेयर आती, सबसे पहला ये फैशन ग्रुप है, तो फैशन ग्रुप के चलते मोस्टली प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि पीपल मोस्टली जब भी अपना ड्रेसेस बाई करते तो मोस्टली फेस्टिवल टाइम बाई करते और किसी के मैरिज टाइम बाई करते, तो अभी के टाइम में ये इंडस्ट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि फेस्टिवल अभी हो नहीं रही है और मैरिज भी नहीं हो रही, जिसके चलते इन लोग का प्रोडक्शन रेट भी कम होगा और मतलब सेलिंग भी कम हो जाएगा, जिसके चलते बहुत दिक्कत आएगा, शेयर्स प्राइस नीचे गिरेगा। जो भी शेयर डायरेक्टली इफेक्ट करता है कंपनी को, वही शेयर्स में दिखता है। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें टाटा शेयर्स, टाटा मोटर्स चाहे टाटा ग्रुप अभी बहुत सारे मतलब ऑक्सीजन प्लांट पर काम कर रही है, तो वो टाटा के शेयर्स पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि टाटा के जो MOA में लिखा हुआ है, अगर वो उस पर काम करती है तब जाके एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है सारे शेयर्स में। तो जैसे आदित्य बिरला में एक रिटेल का लिखा हुआ है, फैशन के रिगार्डिंग लिखा हुआ है MOA में, तो वो उसी के रिगार्डिंग जब काम करेगी, इसी के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग काम करेगी, इसी का सेलिंग बढ़ेगा, इसी का मार्केटिंग बढ़ेगा, तभी जाके इसके शेयर में बढ़ाव दिखेगा। अब तो नेक्स्ट टारगेट तो मैंने बता दिया, 160 तक रख सकते हैं, पर 2 वीक तक आप लोग ट्राई कीजिए जितना ज़्यादा कि केयरफुल होकर ट्रेड करने का, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि 2 वीक तक रुक के ट्रेड कीजिएगा, उससे आप लोग को अच्छा फ्लक्चुएशन गैप भी मिल सकता है, और ये चीज़ पे ध्यान दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शॉर्ट सेलिंग का ट्राई कीजिए तो आप लोग को अच्छा बेनिफिट होगा। थैंक यू गाइस, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट, और भी किसी को डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, यहाँ से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।